को कहा था कि शादी की सालगिरह मत करना, कल मेरे ऊपर रात में हमला हो गया। अच्छा भाई, बाल बाल बचा, जिसकी सूचना मैंने गृह मंत्रालय, पुलिस कमिश्नर सबको दे दी। और ये अब मुझे पूर्ण विश्वास अब लग रहा है कि हमला कराया इसी इसी ने। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए आपके दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे ये डंडे मारे गए हैं शीशे पर, ये जी जी। तो आप तो ये हमले भी करवाने लगी भाई जी। ये कितनी जिहादी टाइप की महिला है। कल मैं, ये गाड़ी मेरी पर्सनल गाड़ी है, इस गाड़ी से मैं कभी कहीं नहीं जाता हूँ। कल मैं सफदरगंज गया था और लक्ष्मी नगर जा रहा था मैं, कल रात में दो मुसलमान लड़कों ने मेरे ऊपर हमला किया। लेकिन अभी अभी मुझे जानकारी मिली कि ये हमला आपके लिए था कि आप कार्यक्रम में बाधा मत बनना। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर कार्यक्रम हुआ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मैंने पत्र भी लिखा है और इसमें पुलिस भी पैसा खा रही है। ये आप समझिए कि मेरे ऊपर ऐसा नहीं कि इसमें सीमा ही इन्वॉल्व है, इसमें सीमा का पूरा एक ग्रुप भी इन्वॉल्व है। कल मैं अपने परिवार के साथ इस गाड़ी से जा रहा था जी। अब आप बताइए, ये पाकिस्तान से आके एक महिला मेरे ऐसे व्यक्ति पर जब हमला करा सकती है, जब मेरे ऊपर अपने जासूस भेज सकती है, तो सोचिए ये कितनी शातिर महिला है। ये देखिए पूरी जो गाड़ी है ये, और ये देखिए एकदम जैसे, ये देखिए ये जी। और तो सर आपने एफआईआर कर दी है आपने? नहीं नहीं, वो तो सब हमने कर दिया। आप समझिए ये अकलमंदी है, अगर ये अकलमंदी नहीं होती तो आप समझिए, अब मुझे तो ये लग रहा है कि चूंकि आपने चिट्ठी भी देखी थी, मैंने कहा था 12-13 तारीख में कोई कार्यक्रम सीमा नहीं करेगी जी, बिल्कुल। ये कल शाम में मेरे ऊपर हमला हुआ जी, तो मुझे अभी पूर्ण विश्वास है। और अभी एक इन्विटेशन भी मेरे पास आया है, मैं बताऊं आपको इन्विटेशन में क्या लिखा है। देखिए मैं आपके दर्शकों को दिखा रहा हूँ जी, बिल्कुल दर्शकों को दिखाइए जी। सीमा एडम ने हमला करवाया है सर के ऊपर। रघुपुरा थाने का व्हाट्सएप नंबर है जी, और मैंने इनको ये लेटर भी भेज रखा है जी जी, कि आप ऐसा नहीं करेंगे। और ये देखिए इन्विटेशन आया है, देखिए। हाँ जी, हाँ जी आया है। ओके, तो सीमा परिणय सीमा सचिन मीना जी, अब आप समझ लीजिए कि अब क्या होगा इस देश का, क्या होगा हिंदुस्तान का, आखिर जिम्मेदार कौन है सीमा को संरक्षण देने का। बिल्कुल सर, आप उसके खिलाफ एफआईआर करो, आप एसएसपी को भी लेटर लिखो सर, ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे लेटर लिखने से काम ही नहीं चलेगा। आप बताइए, मेरे ऊपर हमला हो रहा है, बल्कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि 12-13 तारीख में सीमा हैदर द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे धमकाने के लिए, मुझे डराने के लिए सीमा हैदर के लोगों ने मेरे ऊपर हमला कराने का काम किया है। भाई आप बताइए, मेरे ऊपर हमला कौन करा सकता है? बिल्कुल उसी ने कराया होगा सर, जब आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं सर। नहीं, अरे भाई मैंने आज से 4 दिन पहले चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? जी लिखी थी बिल्कुल, कि भैया 12-13 में कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जी। अब इसने हमला करा दिया, अब आप बताओ आपको क्या लगता है? अभी अभी मुझे एक दो लोगों ने कहा कि राजवर्धन भैया ये पक्की साजिश सीमा के ही है, और सीमा को जो लोग भारत में संरक्षण दिए हैं, आप सतर्क रहिए, आप सुरक्षित रहिए, ये हमला आप पर हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा मैं आपके चैनल पे लाइव आना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, और सब नीचे लोग कह रहे हैं कि भाई हल्ला बोलो, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, पुलिस प्रोटेक्शन लीजिएगा, ये तो कुछ भी करवा सकती है सर। अरे पुलिस प्रोटेक्शन का अलग मैटर है, लेकिन बताइए पाकिस्तान से आई महिला भारत के व्यक्ति पर हमला कराने का काम कर रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बताइए, मैं आखिर मैं तो लाइव दिखा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। अब सीमा के डर से मैं तो गाड़ी अपनी फोड़ नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मेरी नई गाड़ी है, देखिए अभी मैं दिखाऊं आपको, ये आप डेट देखिए,
बिल्कुल नई गाड़ी है सर, बिल्कुल जी। पिकअप की है बताइए। 2018-2023। कितने महीने हुए? अगस्त में थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो 6 महीने हुए अभी। 6-7 महीने, 6-7 महीने हुए। ये हाल कर दिया गाड़ी का, ये हाल। तो सर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, कुछ तो। एक पाकिस्तान से आई महिला हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को इस तरह प्रेशर बना रही है, इस तरह धमका रही है, तो सर हम कैसे चुप बैठ सकते हैं, आप बताए सर। नहीं, इसके लिए मैं तो आपके दर्शकों को, मैं तो भारत के लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि कितनी नंगी औरत है ये, कितनी नीच औरत है ये। आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और भाई जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये कोई सीमा हैदर को भगाओ, सीमा हैदर को भगाओ। मैं तो कहता हूँ कि आपके दर्शकों के माध्यम से अगर मुझे कोई खरोच आई, मुझे कोई हरकत हुई, तो या तो इसके पाकिस्तान में बैठे लोग या भारत में बैठे लोग, और मैं तो वैसे भी मजार मुक्त, लव जिहाद मुक्त, नशा मुक्त का नारा दे चुका हूँ। भाई मैं तो अजमेर की दरगाह पर वैसे भी गंगा जल चढ़ा चुका हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। तो आखिर सीमा हैदर चाहती क्या है जो पाकिस्तान से आई है? बिल्कुल बिल्कुल परमार जी। और इसने तो बिल्कुल इतनी जिहादी बनी हुई है, बिल्कुल नाक पे दम करके रखा हुआ है इसने तो बिल्कुल। आप बताइए, ये हमारे ऊपर हमला कर दिया, अब बताइए जब जब राजवर्धन सिंह परमार जैसे व्यक्ति पर हमला हो सकता है, तो आप जैसी पत्रकार और आप जैसे लोगों पर आवाज उठाने वाले लोग तो सुरक्षित ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जैसे आपने पुलिस में तहरीर दी, तो पुलिस ने, पुलिस का क्या जवाब था आपके लिए? नहीं, हम पुलिस को तहरीर नहीं दिया, हमने पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिख दी, को कहा था कि शादी की सालगिरह मत करना। कल मेरे ऊपर रात में हमला हो गया। अच्छा भाई, बाल बाल बचा, जिसकी सूचना मैंने गृह मंत्रालय, पुलिस कमिश्नर सबको दे दी। और ये, और मुझे पूर्ण विश्वास अब लग रहा है कि हमला कराया इसी ने। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए आपके दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे ये डंडे मारेगा इस शीशे पर, ये जी जी। तो ये कितनी, भी करवाने लगी भाई जी। ये कितनी जिहादी टाइप की महिला है। कल मैं, ये गाड़ी मेरी पर्सनल गाड़ी है, इस गाड़ी से मैं कभी कहीं नहीं जाता हूँ। कल मैं सफदरगंज गया था और लक्ष्मी नगर जा रहा था मैं जी। कल रात में दो मुसलमान लड़कों ने मेरे ऊपर हमला किया, लेकिन अभी अभी मुझे जानकारी मिली कि ये हमला आपके लिए था कि आप कार्यक्रम में बाधा मत बनना। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर कार्यक्रम हुआ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मैंने पत्र भी लिखा है और इसमें पुलिस भी पैसा खा रही है। ये आप समझिए कि मेरे ऊपर ऐसा नहीं कि इसमें सीमा ही इन्वॉल्व है, इसमें सीमा का पूरा एक ग्रुप भी इन्वॉल्व है। कल मैं अपने परिवार के साथ इस गाड़ी से जा रहा था जी। अब आप बताइए, ये पाकिस्तान से आके एक महिला मेरे ऐसे व्यक्ति पर जब हमला करा सकती है, जब मेरे ऊपर अपने जासूस भेज सकती है, तो सोचिए ये कितनी शातिर महिला है। ये देखिए पूरी जो गाड़ी है ये, और ये देखिए एकदम जैसे, ये देखिए ये जी। और तो सर आपने एफआईआर कर दी है आपने? नहीं, वो तो सब हमने कर दिया। आप समझिए, ये अकलमंदी है। अगर ये अकलमंदी नहीं होती तो आप समझिए, अब मुझे तो ये लग रहा है कि चूंकि आपने चिट्ठी में देखी थी, मैंने कहा था 12-13 तारीख में कोई कार्यक्रम सीमा नहीं करेगी जी, बिल्कुल। ये कल शाम में मेरे ऊपर हमला हुआ जी। तो मुझे अभी पूर्ण विश्वास है, और अभी एक इन्विटेशन भी मेरे पास आया है। मैं बताऊं आपको इन्विटेशन में क्या लिखा है, देखिए मैं आपके दर्शकों को दिखा रहा हूँ जी। बिल्कुल दर्शकों को दिखाइए जी। सीमा हैदर ने हमला करवाया है सर के ऊपर। रघुपुरा थाने का व्हाट्सएप नंबर है जी, और मैंने इनको ये लेटर भी भेज रखा है जी जी, कि आप ऐसा नहीं करेंगे। और ये देखिए इन्विटेशन आया है, देखिए